हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टीज प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ, अनुवांशिकता एवं वातावरण का सेक्स निगमा। तो ये चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल का आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। अनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, तथा इसके बिना बालकों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बाल विकास को गहरे स्तर तक प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। आप देखिए, अनुवांशिकता और वातावरण जो है इनका शैक्षणिक महत्व के बारे में इस संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। और इनके बिना, अनुवांशिकता और वातावरण के बिना, इनके जुड़े बिना बालकों के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बालक के विकास को, बच्चे के विकास को बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित करते हैं। पहला हो गया, विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। विकास की जो वर्तमान विचारधारा है उसमें प्रकृति को और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। अनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सके। अब देखिए, अनुवांशिकता को जानना तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ हमको यह भी समझना ज़रूरी होगा कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है, ताकि बच्चे की अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। अगर उसको सही परिवेश मिलेगा, सही वातावरण मिलेगा, तो उसका सही तरीके से विकास हो पाएगा, सर्वोत्तम विकास हो पाएगा। इसके बाद है वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब बालक का जो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि है वह वंशानुक्रम और वातावरण के द्वारा ही होता है, वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप ही होता है। तो शिक्षा के किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, ये सभी प्रकार की जो विकास है, सभी प्रकार के विकासों पर अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो अगर शिक्षक के पास बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हो, उनकी तो उनका जो समस्या होगा उन समस्या के समाधान में शिक्षक का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी उनको। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। देखिए, वंशानुक्रम जो है उसके द्वारा व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार प्रदान होता है, प्राप्त होता है, और वातावरण जो है शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएँ बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है। अब देखिए, वातावरण कैसे शरीर को पुष्ट करता है। यदि कोई परिवार है जो अच्छा, अच्छे फैमिली से है जो बच्चा, तो उसको पौष्टिक भोजन मिलता है जिसके कारण उसकी मांसपेशियां, हड्डी तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है, और बौद्धिक क्षमता जो है वह वंशानुक्रम का ही परिणाम है। इसलिए बालों को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना जरूरी है। नेक्स्ट है, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्तियाँ आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक हो तो इसको सार्थक दिशा मिल सकती है। अब देखिए, बालक की जो रुचि हो गई, प्रवृत्ति हो गई, अभिवृत्ति हो गई, इन सभी के लिए, इन सभी के विकास के लिए वातावरण जो होता है सो ज़्यादा जिम्मेदार होता है।
जिम्मेदार वैसे दोनों होता है, लेकिन वातावरण ज़्यादा जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर वातावरण के साथ साथ वंशानुक्रम भी ठीक हो तो उसको एक सार्थक दिशा मिल सकती है, वो अच्छा कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी के बच्चे जीवन में व्यवसायिक अभिरुचि एवं क्षमताएं पाई जाती है। जैसे कोई व्यवसायी का बच्चा है, बिजनेसमैन का बच्चा है, तो उसमें व्यवसायिक अभिरुचि होगी, व्यवसाय के प्रति क्षमता उसमें होगी अच्छी तरह से व्यवसाय करने का। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो जाए तो वह उस दिशा में सफलता हासिल कर लेगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। एक बार फिर से देखिए, अनुवांशिकी एवं वातावरण के बालकों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। अब अनुवांशिक और वातावरण के द्वारा जो बालक के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव है उसका ज्ञान अगर शिक्षक को हो जाए तो वह उस अनुरूप से विद्यालय का वातावरण तैयार करेगा, उसको बच्चों के लिए उपयुक्त बनाएगा, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, जितना अपेक्षा की जाती है उस तरह का परिवर्तन हो सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोज़ में मैं चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।